एक परख नली में 3 ml एथिनॉल लेकर के उसे ऊष्मक जल में सावधानी से गर्म करते हैं। तो इस विलयन में क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 का 5% KMnO4 की एक एक करके बूंद डालते हैं। तो आरंभ में हम देखते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट का रंग पोटेशियम परमैंगनेट का रंग बदल जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो ऑक्सीकारक है और जो एथेनॉल है इसका ऑक्सीकरण करता है। तो एल्डिहाइड से एसिटिक अम्ल बनने तक इसका कलर बदल जाता है क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट का। और जैसे ही एसिटिक अम्ल एथेनॉल से एसिटिक अम्ल बनता है, एसिटिक अम्ल बनने के बाद में अतिरिक्त मात्रा में जब हम पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं तो फिर से इसका रंग आ जाता है। देखते हैं कि आरंभ में रंग गायब हो जाता है पोटेशियम परमैंगनेट का, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट का, और फिर बाद में रंग इसका आ जाता है। हम देखते हैं कि जो इसकी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया थी कि जो एल्डिहाइड है, सॉरी एथेनॉल, एथेनॉल की क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में ऊष्मा देते हैं तो हमें एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है, या फिर इसकी अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ में गर्म करते हैं तो भी हमें एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। संकलन अभिक्रिया, तो संकलन अभिक्रिया का एक उदाहरण है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स का हाइड्रोजनीकरण। तो हम देखते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी वनस्पति तेलों में संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, और जबकि जंतु वसाओं में, सॉरी, वनस्पति तेलों में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं और जंतु वसाओं में संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। जब वनस्पति तेलों को निकिल या फिर पैलेडियम जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण कराया जाता है तो इनका डबल बॉन्ड, सॉरी, इनका द्विबंध या त्रिबंध टूट जाता है और हाइड्रोजनीकरण हो जाता है जिससे वनस्पति घी का निर्माण होता है। वनस्पति तेल स्वास्थ्यवर्धक होता है। जंतु वसा में संतृप्त वसा अम्ल होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। अगली हाइड्रोकार्बन की रासायनिक गुणधर्म है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। संतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यधिक अनअभिकृत होते हैं, अर्थात जो ये है ये अभिकर्मकों की उपस्थिति में अक्रिय होते हैं, यानी कि कोई क्रिया नहीं करते अधिकांश अभिकर्मकों की उपस्थिति में संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जबकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अति तीव्र अभिक्रिया में क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में संकलन कर देते हैं। तो ये मैथेन है, मैथेन की क्लोरीन के साथ, मैथेन क्या हाइड्रोकार्बन है और वो भी कैसा है, संतृप्त, क्योंकि इसमें एक भी सिंगल बॉन्ड, सॉरी, इसमें सारे ही सिंगल बॉन्ड है। तो ये अभिक्रिया करके CH3Cl+ HCl का निर्माण करते हैं।